बड़की मम्मी मिली है। देखिए अब हुआ मिलन। ये चादर कब से मिला? अरे अबीर के बदला ये लाग गए। होली के दो दिन बाद बारात में आए लोगों हैं। हां मक्की आवला था ना वही। गंदाल मजबूत रखा। घर में थोड़ी ना हुई। बाबा तो ना मत लगाओ अभी पकड़ लिया बाबा। अपने जीजा जी को बचा ले पापा। फल तो मिली दादा उसका ई ना चल रहे देसी पड़ोस ना चल।
तीन दिन का छुट्टी लिए थे सुबह बुला ली। हाँ अभी बजने वाले चलते हैं। चलो अच्छा तब रात को टॉप है ना। पापा को छोड़ने जा रहे जो है यहाँ पे कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। पहले काम जरूरी है इसके बाद कुछ इस समय मेरा ऑफिस का जो काम है ना वो मैं घर से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ सोने को नहीं मिलेगा ढंग से और सुबह लॉकर वाला आएगा ना इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है ठीक, मेन बात ये है वो लॉकर सामने कैसे पीठ पीछे कस के चले जाएगा। इसमें कुछ सामान रखने वाला सारे निकाले तो सूटकेस में डाल दिए थे, सूटकेस घर पे ही रखा है। सब कुछ निकालना नहीं है ना? नहीं, कुछ सामान घटेगा नोएडा से लाने का तो बता देना कल लेके आऊंगा। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल काम मिसिंग। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। सबको सामान हट गया, रात को 12 बजे लगन चुमाने का टाइम है। मैं चेंज करने गई थी अपना ड्रेस, यार बहुत इरिटेट हो गई थी मैं, है ना। सब कुछ अपना जो है सब मैं चेंज वेंज करके आई, आईलेस सबसे पहले हटाई, बहुत इरिटेट हो रही थी। मेकअप नहीं रिमूव किया है, वो भी करना है। एक्चुअली कल जो है कल वो माटी मटकोड़ है, हल्दी है, सो लगन चुमाने का टाइम आज ही है 12 बजे के बाद। तो अभी सारे वही रस्म हो गए, सारे रस्म इंजॉय करते हैं और आप लोग से मिलते हैं। देखिए आप बोलो हेलो। हेलो गाइस, पता नहीं कितने लोग इसमें आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं। सब लोग कहाँ गए? सब लोग सामान वगैरह रख रहे हैं। सामान देख तो नहीं देखने गए कहाँ? वो देखने गए। चल ले चल, वो जो बड़ा वाला गेट ना उसमें घुस जाओ, जहाँ ये सब जा रहे हैं अंदर राइट साइड में। चलो भाई सब लोग दहेज का सामान देखने जा रहे, दिखाते हैं हम भी आपको। इस ब्लॉग में देखिएगा कि पहले वाले ही ब्लॉग में ऐड कर दूंगी पता नहीं है, बट देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये सारा सामान रखा हुआ है। ये मेरे भाई के तिलक में चढ़ा था सारी चीज़ें थी जो कि लड़की वालों ने अपनी तरफ से जब टीका लगाने आए थे तो वो लेके आए हुए थे, जिसमें बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफ़ा, अलमारी, ड्रेसिंग, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जो भी उनको सही लगा वो सब कुछ लेके आए हुए थे। पेटी खोलवा, चाबी रख ले बारे तू, पेटी के खोली। ऐ चाची, चाची, चाची। चाची ऐ चाची को चाबी रख ले बारे तू तो पेटिया के खोली। हमारे में ना तिलक चढ़ने के बाद एक रस्म होता है, वो होता है लगन चुमाने का। बहुत इंपॉर्टेंट रस्म होता है ये। जो धान बटाया था ना तिलक में वही धान होता है जो लड़का लड़की का लगन चुमाया जाता है। एक भी धान इधर उधर नहीं होना चाहिए किसी के पैर में या साड़ी में लग के, इसको देखना होता है। यहीं से शुरुआत होती है, ऐसे लगन कहते हैं ये चढ़ना कि लड़का अब कुछ या लड़की कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे चूल है, नलका, ये सारी चीज़ें नहीं छू सकता है, बाहर कहीं नहीं जा सकता है, इसके बाद ही वो सारी चीज़ें शुरू होती है। तो उसके लिए यहाँ पर इसको चौका पूर्णा बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों का कहना है ना कि अरे आप ही क्यों रस्म में आगे आगे हो, उसकी बहन भी तो है, निक्की वो भी तो है, वो भी तो हो सकती है, कुछ ऐसे कि आपको यहाँ इंपॉर्टेंस है। नहीं, मुझे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंस जितना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे हर जगह मिलता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, हमारे में ना कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं, रस्म होते हैं जो एक मैरिड लड़की ही करती है अपने मायके में, कुछ रस्म दामाद करते हैं, तो ये इस तरीके की होती है जिसमें मैं ही हूँ जो शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझे ही सारा करना है। अच्छा इस गोली पेटी खुलवाते सके साड़ी चेंज करेगा तरी खेला होता बिया होता सास बना तरू। तो लगन तो आज ही तिलक वाले दिन ही रात में 12 बजे के बाद चुमा दिया गया क्योंकि टाइम नहीं था। अगले दिन फिर हल्दी है जिसके लिए यहाँ पे चना भिगोया जा रहा है। हमारे में हल्दी का रस्म होता है ना मटकोर, उसमें ये चना बांटा जाता है। अब यहाँ पे लगन चुमाया जाएगा मेरे भाई का, और उसके बाद सुनिए खतरनाक खतरनाक गालियाँ। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या, जरूर बताइएगा। आप
अब मुंह पे लगा दे, हम तहरा मुंह पे लगा दे, बहुत बोले तारा गीत गलो मुड़ी पे तो रखे आगे दुल्हन बोला था पटमौरी उस साइड जाना था डाला भरी चतिया पहले चुमैया माया पाना बबुआ हो तब ले नारी के बेटी हो तब जुड़ा लगी तो नींद में मारी दीदी ऐसा आप ऐसा कर रही है पिया माँ बिछिया बजाती है कोठा पर से आतिया माँ बिछिया बजाती है बिछिया बजा के आमा बबुआ के चुमाती है बिछिया बजा के आमा बबुआ के चुमाती है चुमलिया माँ पहले चुमलिया माँ जिया सुदुल्हा दुल्हिला खबर दैया फेर चुमे चलले मिलवा छिनरी दीदी मैं सोच रही थोड़ा बोल रही कैमरा के पास करूँ ऐसे से कपड़ा खोलना है बस इसी के लिए बैठी है चुमे जानी दी आए माई मौसा
से आयल भरिए मां लोग ले मासी दीदी के चुमे जानी दे हुए साखी साबा दीदी के जो बन बारा भारिया दीदी के जो बन बारा भारिया हो कमनी खैबे ना पियबे मोटर बे कोई से अपना बीगी भैया के तोन पर लौटाइबे कोई से अपनी साला भैया के तोन पर लौटाइबे कोई से अपना बाबा ना भैया के पेटू पे लौटाइबे कोई से पूजवा कहाँ चुप आरती आरती खैबु ना पियबु मोटाइबु कोई से आरती खैबु ना पियबु मोटाइबु कोई से अपना का भैया के तो पर लोटाइबु ऊपर मत रख अपना गोलू भैया के तो पर लोटाइबु आगल गोलू भैया माटी लेके अपना मनीषा भैया के तो पर लोटाइबु कोई से अपना सुआ भैया के तो पर लोटाइबु यहाँ पे पूजा छुमा रही थी फिर 05 पे हो गया लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं कि ये रसम कर रही हूँ, ये है चूल्हा बनाने का रसम। इसको मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है यहाँ पे, जिसमें देखो मैं मिट्टी भिगा रही हूँ। मिट्टी जो था ना ये अच्छा मिट्टी नहीं था, मतलब बहुत दिक्कत हुई इसे चूल्हा बनाने में। मैं लगा कि अच्छी मिट्टी है इससे बन जाएगी, बट नहीं बन पाया। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको कुछ नहीं डालना होता है, सिर्फ मिट्टी और इसमें भूसा चाहिए होता है, जो कि भूसा नहीं अवेलेबल था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अच्छे से इसको पट्टा गिराना बोलते हैं, पट्टा डालना ऐसे कुछ बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया। अगले दिन सुबह उठाना होता है, अगले दिन बारिश ही आ गई पता नहीं कैसे। जब मेरा भाई हुआ था तब तो बारिश नहीं हुई थी। लोग कहते हैं ना कि जन्म में होता है तो फिर बाद में शादी में भी होता है, तो मैं मिट्टी का यहाँ पे चूल्हा बना रही हूँ। और गाइस आप लोगों को टेंशन हो रही है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही, मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ, या एक तरीके से समझ लो नहीं ठीक हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसे दिक्कत हो गई है, एप्पल का फ़ोन में आप लोगों को पता ही है स्टोरेज की कितनी प्रॉब्लम होती है, शॉर्टेज है, तो आपको पता है मेरा फ़ोन पूरा भर गया है। मैं कोई भी ब्लॉग जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और आज वैसे भी थकार के सब सोए हुए थे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, कितनी मुश्किल से मैंने ये काम किया है। सो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी इसलिए नहीं डाल पाई थी, एंड अब कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सारे ब्लॉग्स जो है मैं डाल दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। हो सके तो 2-3 ब्लॉग जो है मैं आज ही डाल दूँगी आप लोगों को, हल्दी वगैरह का सब कुछ का, तो आप लोग इन्जॉय कर लेना। कल शादी का ख़त्म कर दूँगी कल तक ब्लॉग, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे ना तो आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चाहे मैं एक दिन में कितने भी ब्लॉग डालूँ आप लोग बहुत सारा प्यार देना। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन में एक डालो, कुछ लोग कहते हैं 3 डालो, तो मैं 3 तो कम से कम डालूँ, और बस प्यार दीजिए। थैंक यू।